यहाँ से गायघाट पानी में देखते हैं। वीडियो नहीं आ रहा है तो इसका कारण आप लोग को पता है, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए होंगे तो। एक्चुअली मेरे चैनल पे जो वो स्ट्राइक आ गया, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम आता तो कोई बात नहीं होता, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आता तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है। 3 बार चांस मिलता है, इसके बाद आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो मेरा शायद ऑलरेडी 3 आ चुका है या फिर 2 आ चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन में बस ये लिखा हुआ है कि आप 7 दिन तक वीडियो नहीं डाल सकते। तो 7 दिन तक मेरा वीडियो कोई नहीं आएगा, आपको पता ही है। ये वीडियो आज जो अपडेट देंगे शायद आप FB पे देख रहे होंगे, फेसबुक वाले पेज पे, यूथ ऑफ पटना वाले पेज पे आप शायद ये वीडियो देखेंगे। तो आज का अपडेट देना है NIT घाट पे, और यहाँ का अपडेट देंगे कितना पानी का लेयर भरा है, कितना सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, क्या कुछ माहौल है पटना के NIT घाट का, और NIT घाट से लेकर काली घाट तक क्या माहौल है, कितना बुरा पानी भर गया। तो वीडियो में बने रहिए और दुआ कीजिए कि मेरा स्ट्राइक जो है वो हट जाए। और अगर पेज पे आप लोग नहीं जुड़े हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। और पानी आपका इस साइड आया हुआ, ये देखिए इधर भी कितना लहर स्पीड में जा रहा है, पूरा पानी देख सकते हैं गाइस, लहर कितना जबरदस्त तरीके से जा रहा है, लेयर भी बढ़ गया गंगा जी का पूरा एकदम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ। और अभी देखिए कहाँ पे हैं, पूरा गंगा जी का लेयर जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ चुका है। हम अभी ये पिलर पे खड़े हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो नीचे चल जाएंगे, तैरने उन्हें तो आता नहीं है भाई। अब मेरे साथ मेरे मित्र हैं ज्योत जी, जिनका भी एक चैनल है पूछता है बिहार, तगड़ा तगड़ा कंटेंट लाते हैं। तो जाइए पानी बाहर के लीजिए, देखो ना सब इस समय लाइकन बैठता था, पानी बाहर गया, बताइए कितना लेयर बढ़ गया है। ये देखो बच्चा सब इसमें भी पेंसिल बेच रहा है, पानी में भी, पानी में पेंसिल पे जाओ। तो हम लोग गाइस पूरा पानी में, तुम देखिए एकदम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, फिलहाल कृष्णा घाट पे बढ़ रहे हैं अपना काली घाट की तरफ, और देखते हैं कि उधर कितना जो है वो पानी है। ऑलरेडी घुटना पूरा डूब चुका है मेरा, ज्योत प्रकाश दोनों का, अभी आगे और बढ़ते हैं। इधर गंगा जी हैं, ये देखिए पूरा जो पाथवे में किस प्रकार से पानी आ रहा है, पूरा इंटर कर रहा है, काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है, पूरा पाथवे जो है डूब चुका है, यहाँ से लेके आपका काली घाट उधर पूरा पानी पानी हो चुका है। ये सब जो आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, इस पर लोग बैठते थे, नाश्ता उश्ता करते थे, किताब खोल के पढ़ते थे, वो सब अब बंद हो गया है, समझे, क्योंकि पूरा पाथवे बढ़ गया है तो एंट्री बंद हो गया है, एंट्री मतलब खुला है। अब इनको पानी का भींगने का शौक है, आइए भींगिए, मज़ा कीजिए। मछुआरा है, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना सिटी, ऐसे चल जाएंगे यहाँ से गायघाट पानी में बेचते हैं, तो सालों भर यही करते हैं। अच्छा, तो बाढ़ भी आ जाता है, फिर भी डर नहीं लगता है डूबने का? अरे स्टैंड पे मार रहे हैं, आप भी बांस लिए हैं क्या? आप भी कुछ लिए हुए हैं ऐसे ही? सलाही के वजन पे है। तो देखिए गाइस किस तरह से लोग तैर के जा रहे हैं, ऐसे तैरते तैरते लोग पानी के सारे सीधा गायघाट चले जाएंगे, समझ सकते हैं आप लोग कि कितना इन लोग के अंदर गट्स है। तो अभी आप लोगों ने देखा गाइस कि किस तरह से दो व्यक्ति मतलब कि गंगा नदी में पूरा एकदम तैरते हुए जा रहे थे, और पूछने पर उन्होंने ये बताया कि ऐसे तैरते तैरते गायघाट तक चले जाएंगे, तो समझ सकते वो दिग्घा से आ रहे थे।
इस साइड से दिग्घा, दिग्घा से सीधा गायघाट जाएंगे, वो भी पानी में तैरते तैरते। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का उनमें हिम्मत और गट्स है। खैर वो लोग मछुआरा थे तो उन लोगों का आदत है ये सब करने का। लेकिन फिलहाल आज का अपडेट यही था कि गंगा जी का पानी देखिए कितना बढ़ गया है। उधर देखिए पूरा दियर वियर सब डूब गया है, सारे लोग इधर पलायन कर चुके हैं और नाव का परिचालन भी बंद हो गया। लेकिन कुछ कुछ नाव जो है वो चल रही है, इधर से उधर जाने में तो सबका फट रहा है लेकिन उधर से इधर आने में आसानी हो रही है, इसलिए वो देखिए कि नाव जा रहा है उधर से। यही कुछ अपडेट था। तो गाइस जब हुआ यूँ कि स्कूटी के पास चले गए लेकिन हेलमेट यहीं पर भूल गए, तो दोबारा से आए गाइस हेलमेट लेने। अप्रॉक्स आधा घंटा बाद आए हेलमेट लेने। अब देखते हैं हेलमेट यहाँ पर है कि नहीं है। तो हेलमेट तो दिख गया गाइस, खास पटना में हेलमेट छूट जाना बहुत आम बात होती है और लोग लेके भी यहाँ से भाग जाते हैं। तो गाइज हेलमेट तो मिल गया गाइज, और बहुत खुशी की बात है कि हेलमेट सही सलामत था। आधा घंटे के बाद हम यहाँ पे हेलमेट लेने आए लेकिन मेरे हेलमेट को जो है वो कुछ नहीं हुआ गाइज। और काफ़ी दौड़ दौड़ के आ रहे थे तो काफ़ी थक भी गए। देखिए अभी हेलमेट पहने भी हुए हैं, भले ही महंगा हेलमेट नहीं था, ये सस्ता वाला हेलमेट है, 1200 वाला है, लेकिन फिर भी भाई हेलमेट तो हेलमेट होता है ना भाई। बिहार में कहा जा रहा है कि औसतन कम बारिश हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कई जिलों में सूखा क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे लेकिन जब हम पटना में आते हैं तो गंगा नदी का जलस्तर बिल्कुल बढ़ा हुआ पाते हैं। अभी हम पटना के कृष्णा घाट पे हैं जहां पे देख सकते हैं कि जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि जो गंगा का पाथवे है उसमें पानी समा गया है। यहां पे आम दिनों में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, छात्र बैठ करके पढ़ाई करते हुए मिलते थे, शाम में लोग घूमने टहलने या सुबह में मॉर्निंग वॉक करने नजर आते थे। लेकिन अभी जो है पूरा ये पानी भर चुका है, सीढ़ियाँ कहे या फिर जो शेड कहे जिसपे लोग आकर के बैठते थे वो पूरे तरह से जलमग्न हो चुका है। और जितने भी जो नदी के किनारे का जो हिस्सा था जिसमें जलमकड़ी या जलकुंभी कहे वो पूरे बाढ़ के बहाव में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि नाव का हादसा भी गाँव गंगा नदी में सुनने के लिए मिला था, इसके बाद से यात्रियों की आवागमन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और सरकार इस पर नज़र बनाई हुई है कि कब जो है गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर आती है तब इस पर गंगा नदी के घाटों पर भी आना खतरनाक हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ लोग आते हैं अठखेलिया करते हुए या फिर जरूरी काम से आकर के गंगा नदी के जो घाटों पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है गंगा नदी के घाट पर इतना पानी आप देख सकते हैं कि घुटने तक से नीचे तक पानी आ चुका है। उधर अगर हम बहेंगे तो घुटने और कमर तक भी पानी मिलेंगे। तो ये गंगा का जलस्तर है जो पूरा गंगा नदी अपना रौद्र रूप में है। तो यही कहा जा रहा है कि बरसात में जो है नदियों की तो पानी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है लेकिन खेत जो हैं वो सूखे पड़ रहे हैं, यानी खेतों तक पानियाँ नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए क्या कुछ योजनाएं बनाना चाहिए था, गंगा उद्यम योजना के तहत जो बिहार के 3 जिलों में पानी पहुंचाने की बात हो रही थी उस पे कितना गंगा का जलस्तर और इससे बाढ़ को रोका जाएगा, चूँकि गंगा का भी जो एरिया है इससे दियारा क्षेत्र या फिर यूँ कहे कि कई जिले प्रभावित होते हैं जहां पर बाढ़ हर साल देखी जाती है।